लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे। सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में मंत्रालय में आयोजित हुई साल की पहली अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक पर पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। विश्वास सारंग ने कहा कि सीएम प्रदेश की प्रोफाइल बदलने की बात करते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि क्या तबादला उद्योग चलने से प्रदेश की प्रोफाइल बदलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों का अब तक कर्जा माफ नहीं हुआ है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, अतिथि विद्वान कई दिनों से न्याय पाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं। सरकार पर तंज कसते हुए सारंग ने कहा कि इस सरकार में इंसान तो क्या जानवर तक सुरक्षित नहीं है। प्रदेश सरकार के राज में स्कूलों और अस्पताल की भी हालत खराब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मध्य प्रदेश की इमेज तो अब पूरे प्रदेश में तबादला, पूरे देश में तबादला उद्योग की हो गई है। तबादले करवाइए और कांग्रेस के नेताओं की जेब भरिए। प्रशासन परेशान है, अधिकारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। केवल जमावी जमा खर्च से सरकारें नहीं चलती। वचन पत्र का एक भी वचन पूरा नहीं हुआ, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 27-28 दिन से अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान भोपाल में कड़कड़ाती ठंड में सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हैं, सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। और पूरे प्रदेश में आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बातचीत करने में मशगूल हैं। कानून व्यवस्था ख़त्म हो गई, पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा है। नागरिक परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है। इस कांग्रेस की सरकार में आदमी भी सुरक्षित नहीं है तो बाघ भी सुरक्षित नहीं है। 27-28 बाघ कांग्रेस की सरकार की निष्क्रियता के कारण मर गए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। स्कूलों की हालत खराब है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है, हर क्षेत्र में स्थितियां खराब हैं। ये मध्य प्रदेश की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई, बिजली के बिल आ रहे हैं पर बिजली नहीं आ रही। अब इसके बाद क्या मध्य प्रदेश की आप इमेज बनाने की बात करोगे? आपने सोच तो बदल ही दी, अब तो केवल भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में अखंड में डूबा हुआ है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।